गुड इवनिंग एवरीवन, बबलू लोधी जी, राम राम। रंजीत कुमार जी, हाँ जी, अब पूछिए। सर जो आप वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हैं वो वीडियो पूरा देख लेना, पर प्राइवेट जॉब मिल जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से कहूंगा एक बार कि ये जो प्राइवेट जॉब के लिए आप इतना मत ये सोचो कि इतना मत सोचो कि मैं उस लायक नहीं हूं, या अपने आप को उस लायक पहले बनाएंगे हम। गुड इवनिंग अंक गुप्ता जी, गुड इवनिंग। तो अपने आप को उस लायक बनाना है तो ऐसा है, तो ये नहीं है कि मैं लायक हूं या नहीं, मुझे मिलेगी मिल जाएगी जॉब, क्या है जॉब, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप को उस काबिल तो बनाओ, जॉब के काबिल बनाओ, सब कुछ सीखो, जॉब इजीली मिल जाएगी। ठीक है बच्चे जी, ओके। तो सर फिर से को आ रही है वैसी कल जैसे, कल जैसा हो रहा है, कल जैसा हो रहा है। एक मिनट बच्चे, मुझे कोई सोल्यूशन करने दो, एक सेकंड रुको। हेलो, अभी देखना एक बार, चेक करना जी, साउंड साउंड ठीक है, अब देखना एक बार जी, मुझे अभी बताइए कि अब साउंड ठीक है या नहीं। सेम वैसा ही आ रहा है, ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू। मैं आज 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 की प्रॉब्लम है ये, कल इसका जरूर सलूशन करूंगा, वो नहीं इंटरनेट से देखना पड़ेगा मुझे कोई ना कोई सलूशन इसका, तो देखते हैं जी। आज टाइम वेस्ट ना करें तो हम इस पे चलते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, समर मैं इको प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, अभी इको प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन, मैं बातें आज फिर कम करेंगे, अगर इको प्रॉब्लम है थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो आप इसका राइट आंसर बताइए, व्हाट इज रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ टूथ फ्रॉम अ पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ नोन एज। तो ये क्या है, व्हाट इज रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ टूथ, ये बताइए आंसर। जी समीर, समीर आप देखिए थोड़ा सा, देखिए टॉप टॉप पे पूछा है, टॉप पे जी। अडेंडम, द राइट आंसर इज अडेंडम जी। मणि भूषण जी आप ये क्या लिख रहे हैं, ये देखिए गगनदीप आप चेक करो, ये देखो अच्छे, ये हमारे पास होता है एक टूथ का प्रोफाइल है, तो मैं इसके अलग से वीडियो एक तैयार कर दूंगा जिससे आपको इजी रहेगा। तो ये बच्चे क्या है, रेडियल डिस्टेंस क्या है, पहले ये चीज को समझो। कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है कि रेडियल डिस्टेंस नहीं पता होता है, रेडियल क्या होता है। रेडियल जब भी कहीं पे भी लिखा हो ना, आपने समझना है कि रेडियस के साथ साथ, बस रेडियस के साथ साथ पूछा है इस तरह से। तो इसका जो पिच सर्कल होता है ना, यहाँ पे इतना बड़ा हम अगर नीचे की ओर जाएगा ये पिच सर्कल बनाए, तो इसका यहां से हम देखें, यहां पे सर्कल बनाए, सॉरी यहां पे सर्कल बनाए, तो पिच सर्कल बनाए तो यहां से रेडियल डिस्टेंस मतलब बाहर की ओर, इधर पिच सर्कल यहां पे इसका, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो रेडियली ऊपर जाता है तो उसको अडेंडम कहते हैं, और नीचे जो जाता है उसको डिडेंडम बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द वर्टिकल हाइट ऑफ अ वार्ड गवर्नर इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन इज 80 आरपीएम। जल्दी से थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है इसमें, जिसको फॉर्मूला याद है वो राइट आंसर बता देगा।
जिसको फॉर्मूला याद है वो राइट आंसर बता देगा। जी बताइए जल्दी, विक्रम प्रताप सी। सर ये फॉर्मूला है बच्चे, फॉर्मूला मयंक गुप्ता जी, फॉर्मूला लगा के देखिए, फॉर्मूला लगा के देखिए इसका। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो हाइट कभी भी पता करनी है हमें, वर्टिकल हाइट पता करनी है तो 895 बाय एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें लगाना होता है। तो 895 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 80, तो 80 का स्क्वायर मतलब 80 × 80 ये कर देंगे, तो हम ये डिवाइड करते हैं तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो 0.13 के मतलब पॉइंट जो 14 के पास आएगा, तो वो 0.14 एग्जैक्ट आंसर पास पास का जो होगा वो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये किस कितनों ने दिया, हर्षद शर्मा आपने सही आंसर दिया है, पवन कुमार आपने सही दिया है, प्रदीप कुमार आपका सही है, उत्कल साहू आपका भी ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड, ये इको प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ बच्चे कल ना, कल डेफिनेटली इसका लिए जो इको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लोड डज नॉट एक्ट ऑन द कंसिडरेबल लेंथ ऑफ द बीम, तो इसका राइट आंसर बताइए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्राइंगुलर, या मेरे पास पॉइंट लोड, या यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, तो ये बताइए मुझे। जी आदित्य कुमार झा आपका एग्जैक्ट आंसर था, तो 0.139 ऐसे आता है तो 0.14 बन जाएगा वो, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका पहले आप मतलब समझें, जिसको मतलब नहीं पता लगा तो उसके लिए मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा लोड है जो डज नॉट, इसको चेक कर लेना, डज नॉट एक्ट ऑन द कंसिडरेबल लेंथ, पूरी लेंथ पे बीम पे नहीं होता, मतलब एक जगह पे होता है, तो एक जगह पे जो कौन सा होता है तो वो पॉइंट लोड होता है। तो पूरे पे देखिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी सब पूरे बीम पे आता है, जब आप देखेंगे इस तरह से तो पूरे बीम पे इस तरह से लेंथ पे पड़ता है, या हाफ बीम पे हो जैसे भी हो लेकिन लेंथ पे पड़ेगा। तो ट्राइंगुलर लोड भी इस तरह से इंक्रीज करता है, और मेरे पास यूनिफॉर्म वेरिंग लोड भी तो इस तरह से वेरी करता है, तो ये जो अलग अलग है, लेकिन पॉइंट लोड अलग से एक है जो एक पॉइंट पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वॉज पॉस्टुलेटेड बाय, तो किस किनों ने दी थी ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसके लिए कोई रटाफिकेशन के लिए मैं कोई इसका जो सोल्यूशन निकाल दूंगा, ताकि इसका सोल्यूशन निकल सके, ताकि हमें रटाफिकेशन इसका हो सके, किसने कौन सी थ्योरी दी है। जी तो गौरव दुबे जी आप थोड़ा सा देखो अपना आंसर। शिवानी रेंकाइंग, बच्चे शिवानी रेंकाइंग कैसे, व्लादिमीर पुतिन, पुतिन जी बी कैसे, थोड़ा सा याद ध्यान दो इसकी तरफ। तो ट्रेस्का नाम था उनका, ट्रेस्का नाम था उनका जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है ट्रेस्का। ओके नेक्स्ट देखें, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, तो ये बताइए, तो इक्विवेलेंट लेंथ बतानी है जब बोथ एंड फिक्स होंगे, अगर मेरे पास ऐसे बीम है, ठीक है इस तरह से बीम है, और ये दोनों तरफ से फिक्स कर दें अगर, तो दोनों तरफ से इस तरह से भी फिक्स कर दें और इस तरह से भी फिक्स कर दें, फिक्स हो तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू। जी इसका सबको शाबाश, मजा आ गया देख के आंसर, ऑलमोस्ट 90% सबका ठीक है, सबका ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1/2। तो ये ना आपने कुछ नहीं करना, झाड़ू जो होता है ना हमारे पास झाड़ू, उसका एक एक डंडी निकाल लेना, और उसको क्या करना पकड़ के, उसको पकड़ के आप दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेना, और उसको आप थोड़ा बैंड करके देखना, बैंड करके देखोगे आपको पता लगेगा कि वो इस तरह से मुड़ गया, करके देखना लेकिन ये जरूर, या मेरी एक वीडियो मैंने उसमें करके दिखाया वो आप देख सकते हो, तो इसमें इस तरह से बैंड हो जाएगा, हाफ उसकी लेंथ बैंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ,
directly proportional to the least radius of gyration, inversely proportional to the effective length, या directly proportional to the square of the least radius of gyration. तो इसका अगर फॉर्मूला पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो. जिसको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला ही लिख दो तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने सही बता दिया है. गोविंद गिरी आपने 1/4 लिखा, 1/4 नहीं है, वो पिछले क्वेश्चन का था जी. जिसको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये आपको आता है क्वेश्चन. मेहन गुप्ता जी आप क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला बताइए पहले. मेहन गुप्ता फॉर्मूला बताइए. विक्रम प्रताप, पराग कुमार, तो इसका राइट आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ. जो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है ना, स्लेंडरनेस रेशियो वो होता है एल बाई के. इफेक्टिव लेंथ जो है बाई के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, ट्रिपल पॉइंट ऑन पीवी डायग्राम. तो ट्रिपल पॉइंट पीवी डायग्राम पे क्या होता है, लाइन पॉइंट ट्रायंगल या नॉट प्रेजेंट, क्या होता है ट्रिपल पॉइंट पीवी डायग्राम पे. इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है ट्रिपल पॉइंट पे भी. मैं फिर से कहता हूं आपको मेरी वीडियो अगर नहीं मिलती, आपको लगता है कि कहां से ले लूं क्या करूं, तो सीधा सा है जो भी टॉपिक है उसका नाम लिखो साथ में गियर इंस्टीट्यूट लिख दो. बस ट्रिपल पॉइंट लिखा और साथ में लिख दिया गियर इंस्टीट्यूट, अपने आप आपके पास वीडियो आ जाएगी. आपको कहीं कुछ नहीं करना, जो भी टॉपिक है साथ में उसके सिर्फ मेरे चैनल का नाम लिख दो, अपने आप आपके सामने वीडियो आ जाएगी. ठीक है, देखना जरूर आपको वो पसंद आएगी. ठीक है, एक बाहर के देश के वीडियो है उसमें एक्सपेरिमेंट किया है तो मैंने उनकी वीडियो को उनसे परमिशन लेके इसमें यूज किया हुआ है, तो आप देखना. तो ये होती है एक लाइन, ट्रिपल पॉइंट को जो पीवी डायग्राम पे शो करना होता है तो एक लाइन होती है. लेकिन हमारे पास जो टेम्परेचर वाला होता है तो उस डायग्राम में हमारे पास पॉइंट आ जाता है. ओके, नेक्स्ट, इफ द सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4 देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी. ये बताइए, इसके लिए भी फॉर्मूला है सीधा सा फॉर्मूला है, हमें कुछ नहीं करना, सीधा सा एक छोटा सा फॉर्मूला है. बल्द मेरे पोती ना, आपने तो इतनी वीडियोस देख ली, आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे वहां पे आपको मिल जाएगी सारी वीडियोस. जी जल्दी से इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जल्दी से. जिसको फॉर्मूला पता है उसका राइट आंसर अपने आप ही आ जाएगा, जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो नहीं कर सकता. जी प्रदीप कुमार, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है 0.2. ठीक है, तो 0.2 इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर. ठीक है, इसमें देखिए 1/CP हमारे पास होता है, तो हमारे पास इसमें 0.2 यहां पे 1/COP करना बचे, 1/COP 1/4. मैंने ये क्वेश्चन बनाया नहीं, आज मेरे किसी पीपीटी मुझे बना के दिया है. 0.25 आना बचे इसका आंसर, 0.25 ये यहां पे है, तो ये आएगा इसका आंसर. ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बताइए, ये बताइए, जी आकाश वर्मा जी, मैं आपको उस क्वेश्चन की क्लैरिटी ला दूंगा, कोई बात नहीं. इसमें बताइए, कंबस्शन इन ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, लेमिनार या टर्बुलेंट. जी हेट्रोजीनियस का मतलब पता होना चाहिए, होमोजीनियस का मतलब पता होना चाहिए. तो इसमें कंप्रेशन इग्निशन है, ये भी ध्यान करना, कंप्रेशन इग्निशन उसमें हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है. और अगर एसआई इंजन का पूछ ले, एसआई इंजन का, तो एसआई इंजन के होमोजीनियस, तो दो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे होमोजीनियस. ये क्यों है,
क्योंकि ऐसा ही इंजन में मेरे पास मेरे भाई क्या होता है, पेट्रोल और हमारे पास एयर का मिक्सचर होके आता है, और वो प्रॉपर तरीके से मिक्स होता है कि कितने परसेंट मेरे पास एयर आएगी और कितने परसेंट मेरे पास पेट्रोल आएगा। दोनों चीजें मिक्स करते वक्त एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है, इसलिए वो होमोजीनियस होता है हमारे पास, और सीआई में मेरे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट देखिए, इन अमोनिया डायग्राम द आइसोथर्मल लाइंस इन द सुपर हीटेड रीजन एट लो प्रेशर बिकम्स क्या बन जाती है, वो डाइवर्ज फ्रॉम वन अनदर, हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल होती है या वर्टिकल होती है। तो मोलियर डायग्राम, अब मोलियर डायग्राम फिर से कहूंगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है देख लेना, और फिर एक ही बात है कि कॉन्सेप्ट जिनके नहीं क्लियर तो मुश्किल है। ये सेमेस्टर का नहीं बचे, ये किसी सेमेस्टर का नहीं हो रहा, ये डिप्लोमा या बीटेक अगर आपने कर रखी है तो ये एमसीक्यू है उसके लिए जी। उत्कल साहू आपका ठीक है, मयंक गुप्ता आपका ठीक है जी, प्रदीप कुमार आपका ठीक है, पवन कुमार नहीं। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये देखिए ये होता है हमारे पास मोलियर डायग्राम। और यार एक बात बताऊं, डायग्राम ऐसी चीज है जो आपको बिना फॉर्मूलास आपको वैल्यूज देती है, तो आप इस चीज को समझ के देखो किस तरह से आपको प्रेशर वाली लाइंस, हमारे पास एंट्रोपी वाली लाइंस सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, और हमारे पास इसमें टेम्परेचर लाइन जो बात करें ना, तो सुपर हीटेड रीजन जो होता है हमारे पास ये रीजन होता है। तो ये जो सुपर हीटेड रीजन है यहाँ पे से क्या है, टेम्परेचर लाइन इस तरह से जा रही है, देखो ये गई 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 आगे जाके, ये देखो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो रही है, ये देखो ये वाली लाइंस ये जाके आगे क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल हो रही है ये लाइंस। तो ये जो एमसीक्यू करते हो ना बच्चे, मैं आपको बताऊं एक एक एमसीक्यू आपके जिंदगी बदल सकता है, एक एमसीक्यू, वो पता नहीं कौन से सर से करोगे कहां से करोगे, लेकिन ऐसा है कि बुरा हाल है, एक एक एमसीक्यू आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो इतने क्वेश्चन कर लो, इतने कर लो कि कुछ रहे ना यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता, ठीक है जी। सर कहते हैं आप अनअकैडमी क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, सर मैं ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है मेरा विचार, ऐसा मुझे अपने दम पे ही काम करना है, ये मेरा मन का विचार है अभी तक का, बाकी जिंदगी बदलते पता लगता है, लेकिन अभी तक मेरा मन का विचार है कि अपने लिए काम करना है। नेक्स्ट देखिए, क्लॉशियस स्टेटमेंट एंड कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आर, तो ये क्या है, नॉट कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, टू पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, वायलेशन ऑफ वन डज नॉट वायलेट द अदर, या फॉल्स स्टेटमेंट, बताइए ये बताइए आप। तो अभी भी ये इको आ रही है यार, ये इको का चेक करूंगा मैं, इतना मुझे ये ऑनलाइन का भी नहीं पता था और ये लैपटॉप यूज करना भी नहीं आता था, लेकिन अभी थोड़ा सा सीख रहा हूं मैं अभी जी। ये सही होना चाहिए, मयंक गुप्ता आपकी तरफ ध्यान है, सी क्यों लिख रहे हो, गगन आपका ठीक है, वर्कमिल पुतीन आप डेली क्लास लगाना शुरू करो, आप में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, शाबाश। तो 80% बच्चों का ठीक है। ये सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट्स है, टू पैरेलल स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों की अलग अलग स्टेटमेंट थी, तो लेकिन वो सेकंड लॉ को ही एक्सप्लेन कर रही थी। सेकंड लॉ कितना ईजी है यार, मतलब सच में बताऊं, जब आपको दुनिया में दिखनी शुरू होगी ना मैकेनिकल, मजा आने शुरू होता है, मजा आना शुरू होता है। जब तक आपको दुनिया में दिखती नहीं है ना मैकेनिकल, आपको कोई मजा नहीं आना। देखिए सिंपल सा है, कितनी अजीब सी बात है, कहता है कि आपको हायर से लोअर जाने के लिए, ठीक है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक जाने के लिए हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, ठीक है, और लेकिन लोअर से हमें हायर तक जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो ये चीज आप चीज देखो क्या है, सिंपल सी बात कि अगर मेरे हाथ से कोई चीज गिर जाएगी, हाइट पे है कोई चीज, मैं छोड़ दूंगा नीचे गिर जाएगी, अपने आप गिरेगी, लेकिन उठाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है। जिंदगी में जो चीजें देखनी शुरू होगी तो लॉ भी उसी तरह से ही बने हैं, लॉ उसी तरह से बने हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, नहीं, वर्क एंड हीट बोथ कन्वर्टेबल इज सेकंड लॉ नहीं है बच्चे,
फर्स्ट लॉ में होता है कि हीट इज वर्क एंड वर्क इज हीट, हीट ही वर्क है और वर्क ही हीट है। देखो अब मैं आपको बताऊं, अगर कोयला बोलने शुरू हो जाए ना, कोयला पेट्रोल बोलना शुरू कर दें कि बातें करनी शुरू करते, हैरान हो जाओ, वो कहेंगे यार मुझे ये नहीं छोड़ते। अब इंसान ने जिस चीज को देखा ना, अगर पहले अगर जानवरों को देखा तो उनसे भी काम ले लिया, उनके बैलगाड़ी बना ली, कभी कोल्हू बना लिया, कभी कुछ बना लिया। कोयला देखा, कोयले को नहीं छोड़ा, कोयले को जला के उसकी हीट गर्म करके हमारे पास बॉयलर में पानी, उससे भी इंजन से काम करवा लिया। पेट्रोल को नहीं छोड़ा, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो हीट इज वर्क एंड वर्क इज हीट। मेरे साथ बोलिए एक बार, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इज, मैं क्लैप भी करता हूं साथ, ये नहीं है, हीट इज वर्क एंड वर्क इज हीट। ठीक है, बोलिए एक बार, वर्क इज हीट एंड हीट इज वर्क एंड वर्क इज हीट। कम ऑन, ठीक है, ये लाइन याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, ये म्यूजिक के साथ याद करना, फर्स्ट लॉ कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है, देखो थर्ड लॉ, थर्ड लॉ कुछ भी नहीं यार, मैं सच में बताऊं थर्ड लॉ है क्या, आप मैं अभी अभी बात करना, अगर आपने पूछा है तो देखिए इंग्लिश इज वीक। एक मैं ये भी बता दूं यार, अगर मान लो रास्ते में आपके मान एक गिलास पड़ा है, नीचे पड़ा है, आप चल रहे हो पैदल, रूम ही नीचे पड़ा है, आपके पैर से टकराएगा, वो खड़खड़ आवाज करेगा, फिर से आप निकलोगे खड़खड़ से फिर से आवाज आएगी। एक सिंपल सा काम है, उसको उठा के साइड कर दो। अगर इंग्लिश आपके रास्ते में बन रही है, आपके रास्ते का पत्थर बन रही है, तो उसको उठा के पहले बाहर कर दो। तो मतलब इंग्लिश सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप कहीं से ट्रेनिंग लो, कुछ करो, लेकिन कर लो। तीसरा लॉ सुन लो। देखिए बच्चे, हमने हर दुनिया में कोई भी चीज किसी से सीधे से रिलेशन नहीं है, कोई ना कोई हमने रिलेशन बनाया है। देखो हमने थर्मोमीटर की बात की, आप बात सुनोगे समझोगे तो मजा आएगा। थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में मरकरी होता है ना, मरकरी आपको टेम्परेचर बताता है? नहीं बच्चे, मरकरी टेम्परेचर नहीं बताता, आप मानोगे? कोई आपको पूछ ले तो मरकरी थोड़ा ना टेम्परेचर बताता है। ये तो हमने रिलेशन निकाला है, हमने आइडिया सा निकाला है कि मरकरी फैलता है, गर्म होने पे यहां पर तक पहुंच जाएगा, मरकरी गर्म होने पे यहां तक पहुंच जाएगा। हमने क्या किया, एक बीकर लिया इस तरह से, उसमें मरकरी डाल दिया, उसको मरकरी को पहले डाला हमने एक यहां पे आइस क्यूब में, जहां बर्फ में डाला, तो ये सुकड़ गया, जहां तक सुकड़ गया वहां हमने लगा दिया जीरो का निशान, उसी को हमने उबलते हुए पानी में डाल दिया, तो मरकरी फैल गया, जहां तक पहुंच गया वहां सोल्ट का निशान लगा दिया, बस। तो हमने कंपैरिजन किया है, हीटिंग पे एक्सपेंशन और कूलिंग पे कॉन्ट्रेक्शन, इसका सिर्फ हमने रिलेशन टेम्परेचर के साथ निकाल के दिया है। तो इसीलिए वो कहते हैं ए अगर बी के बराबर है और ए अगर सी के बराबर है तो ए बी सी तीनों आपस के बराबर होंगे, ये कहते हैं ना। तो ए बी सी ये एक्चुअली थर्ड लॉ में ये समझाना चाहता है कि हम टेम्परेचर ये सब मापते नहीं है, ये हमने सिर्फ उसका रिलेशन देखा है। ये मरकरी नहीं होता, कुछ और हम डाल सकते हैं, आप बना सकते हो थर्मोमीटर, आपको मना नहीं करता कोई, कोई और चीज का बना लो। हाँ, मेरी एक बार दादी मुझे कहती कहती ना, बेटा देखना 6 बज गए हैं, मैं टाइम देखा मैंने 6 बज गए। दादी को उस टाइम बहुत कम दिखता था, इतना ज्यादा उसको समझ नहीं थी, मैं टाइम की तरह 6, मैं कहा दादी आपको कैसे पता, कहते हैं ना ये पेड़ है ना, पेड़ की परछाई यहां तक पहुंच जाती है 6 बजे। ठीक है, 6 बजे परछाई यहां पहुंच जाती है, वो परछाई उसने देख के कोई रिलेशन निकाल लिया टाइम के साथ, 6 बजे परछाई यहां पहुंच जाती है। आप भी कर सकते हो, एक डंडी रखो धूप में, ऊपर निशान लगा दो, 1 बजे यहां परछाई पहुंच जाएगी, 2 बजे रिलेशन निकाल दिया आपने। तो किसी का साथ रिलेशन निकाल के किसी की निकालना, उसको हम कह देते हैं थर्ड लॉ है। ठीक है, सर जीरो थ्रो, हम यार ये थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं बोलते बोलते कुछ और बोलता हूँ, तो ये जीरो थ्रो है, थर्ड लो मैं अलग से आपको समझा दूंगा, जीरो थ्रो है। ठीक है, तो ये मुझे माफ करना, ये मेरी है थोड़ी सी दिक्कत इसमें, तो मेरी ये दिक्कत के लिए मैं माफी चाहूंगा। तो ये एक्चुअली क्या होता है, मेरा माइंड किसी और होता है समझाते वक्त, तो किसी चीज के बारे में बोल जाता हूँ, ये इसी प्रॉब्लम के कारण मैं थोड़ी दिक्कत में हूँ।
ठीक है, तो प्लीज इसको जीरो थ्रो बोलेंगे, जीरो थ्रो। जीरो थ्रो इसलिए बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ डिफाइन हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद हमने ये लॉ दिया था, इसलिए इसको नाम जीरो दे दिया, तो जीरो थ्रो है, तो थर्ड लॉ नहीं है। मैं जल्दी जल्दी में आपको कर गया, ठीक है, सॉरी बच्चे, ठीक है, आगे देखिए। हाँ जीरो थ्रो, ठीक है सर, ये हो जाता है मेरे साथ ना, तो मैं कहीं बात कहीं और करता हूं और मेरे से हाँ कुछ हो जाता है। तो देखिए, फॉर द सेम हीट एडेड एंड द सेम कंप्रेशन रेशियो, तो इसमें बताइए आंसर, बताइए बताइए। थैंक यू ध्रुव, मुझे याद दिलाने के लिए, ये थर्ड लॉ नहीं है, जीरो लॉ, मैंने जल्दी जल्दी में वो बोल दिया, मैं तो ये भूल जाता हूँ कि एक रूम से दूसरे रूम में गया, भूल गया पीछे रूम में क्या लेना, लेने क्या गया था। फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज की दिक्कत आती है मेरे साथ, फॉर्मूलाज याद नहीं रख पाता है, तो बहुत दिक्कत आती है मेरे साथ ये, देखिए। तो इसलिए मैं हमेशा कोई ना कोई ट्रिक निकालता हूँ इसके लिए। मयंक गुप्ता आप चेक करो अपना आंसर, पराग कुमार चेक करो। देखो बच्चे, इसमें भी सिंपल सा आइडिया, सिंपल सा आइडिया, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, आपने हमेशा याद रखना, जहां अभी सेम कंप्रेशन रेशियो बोल देना, बस उसमें ऑटो को बड़ा कर देना, बस ऑटो ज्यादा, डीजल कम, डीजल सबसे कम, और ड्यूल बीच में रहेगा, ड्यूल जो है वो बीच में ही रहेगा, डीजल सबसे कम, जहां सेम कंप्रेशन रेशियो की बात आ जाए, बस आपने याद रखना। अगर सेम कंप्रेशन रेशियो नहीं है उल्टा कर देना बस, अगर सेम कंप्रेशन रेशियो नहीं है तो उल्टा कर देना, डीजल आगे कर देना, डीजल सबसे बड़ा एफिशिएंसी में, ड्यूल बीच में और ऑटो बाद में, ये रटा मार दो बस, आपने कुछ नहीं करना है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, ठीक है जी। हेलो हेलो विजय जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, 13th क्वेश्चन, डैश स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय ऑस्टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, तो ऑस्टेम्परिंग प्रोसेस के लिए कौन सी स्ट्रक्चर मिल जाती है हमें, डैश स्ट्रक्चर मिलती है हीट ट्रीटमेंट में, ऑस्टेम्परिंग करने में कौन सी हमें स्ट्रक्चर मिलेगी, जल्दी इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर बेनाइट है, इसका राइट आंसर बेनाइट, बी इज द राइट आंसर, जिन्होंने बी कहा है शाबाश आपको, ठीक है। प्राग आपका सही था, और जी प्रदीप कुमार आपका ठीक था। नेक्स्ट, प्री हीटिंग इज असेंशियल इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में प्री हीटिंग किसके लिए असेंशियल है, कि करनी ही पड़ेगी, प्री हीटिंग करनी ही पड़ेगी, और ये तो इजी है ये, और ये एसएससी जेई में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन में फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी जेई में फिर पूछने वाले फेवरेट क्वेश्चन में होते हैं, और अपनी तैयारी रखो बच्चे, कहीं भी पेपर जाओगे तो आप अपनी तैयारी पूरी रखो, इसमें एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करो जी। हाई स्पीड स्टील नहीं है बच्चे, ध्रुव नहीं है, इसका है कास्ट आयरन। एक्चुअली क्या होता है कि कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल होता है, तो कास्ट आयरन को पहले प्री हीट कर लेते हैं, जब भी वेल्ड करना होता है तो थोड़ा सा हल्का गर्म कर लेते हैं, तो उसके काम क्या है, उसकी जो ब्रिटलनेस है वो उसको निजात दिलाने में, थोड़ा डक्टाइल बनाने में हेल्प करता है, ताकि उसकी वेल्डिंग ईजिली हो सके, तो हमारे पास प्री हीटिंग, कास्ट आयरन की प्री हीटिंग करनी ही पड़ेगी। ओके नेक्स्ट देखिए, डैश इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, ये बताइए। सर मैं सिर्फ लाइव 9:30 का टाइम रखा हुआ, मैंने इससे ज्यादा मैं टाइम दे नहीं पाता हूँ, सिर्फ आधा घंटा दे पाता हूँ, और 9:30 का ही टाइम है, अलग अलग कोचिंग वगैरह होती है तो उसमें बिजी होता हूँ, तो 9:30 ही मेरे पास एक टाइम होता है जो मैं आपको दे सकता हूँ जी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से, जल्दी से, और मुझे बताना है, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं, तो 15 में से आपके कितने ठीक हुए हैं, मैं यहाँ पे अगर नोटबुक में लगा लूंगा तो आपके जो डेली स्टूडेंट है मेरे पास आते हैं, तो डेली वालों का तो मैं लिखना शुरू कर दूंगा कि आपने कितने राइट आंसर दिए हैं, और अपने आप पे भी ना सच सच रखो, सच्चाई रखो अपने पास, एक पेज लगाओ और उस पर लिख दो
ये गेयर इंस्टीट्यूट की क्लास में मैंने इस तारीख को इतने क्वेश्चन का जवाब दिया था, इतने सही थे, और इम्प्रूवमेंट देखो कि इम्प्रूवमेंट भी हो रही है या नहीं हो रही, कि इतनी तारीख को सर के मेरे 15 में से इतने जवाब दिए, इतने जवाब दिए, तो सही कितने थे। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है हिंडेलियम। तो हिंडेलियम वो होता है जिसमें हमारे पास हाउस होल्ड के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास 15 क्वेश्चन थे। थैंक यू, आप जल्दी से, और कितने ठीक हुए आपके 15 में से, कितने ठीक हुए हैं अब तो 15 कितने ठीक हुए हैं? नहीं सर, टूल एंड डाइंग स्पेशल मुझे नहीं आता है, मैंने मैकेनिकल से पहले डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल से मैंने डिप्लोमा किया है और मैकेनिकल से बाद में बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है फिर बाद में बीटेक किया है। तो जो बीटेक है उसमें मैकेनिकल में है, तो इसलिए वो टूल एंड डाई का कोई हम स्पेशलिस्ट नहीं हूं मैं। मैन गुप्ता 8, फिनिक्स 9, जी वंद मेरे को 3 3, आप इंप्रूव करो। उत्कल साहू, तो उत्कल साहू के लिए क्लैपिंग, आपके सबसे ज्यादा है, ठीक है अभी तक 12। ओके ग्रेट, नहीं सर क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ये मुझे नहीं पता क्या होता है। जी डिप्लोमा वाले के लिए तो स्पेशल हूं मैं, डिप्लोमा वाले के लिए बहुत स्पेशल, मैं अपने चैनल का नाम भी स्पेशल मैं डिप्लोमा कर सकता हूँ, डिप्लोमा वाले के लिए स्पेशल हूँ मैं। डिप्लोमा वाले के हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, मैं डिप्लोमा किया तो मुझे मुझे पता है अपनी दिक्कत, हम आए होते हैं मोस्टली हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम से मैं आया था, तो जब पहली बार क्लास लगाई तो वहां तो इंग्लिश बोल रहे, तो मैं तो उठ के मैं बहुत हो गया, मैं यहाँ नहीं हो सकता मेरा कुछ, मैं चलाऊं, मैं पापा को फोन करते पापा यहाँ नहीं मेरे समझ में जाता, मैं चलाऊं ये छोड़ के, मैं क्लास घर आ रहा हूँ, मैं हॉस्टल रहता था, तो पापा कहते बेटा एक तरह से ये छोटा सा काम नहीं हो रहा, जिंदगी में करेगा क्या। तो उस दिन एक बात ये पिंच कर गई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बोल दिया, ठीक है तो वो बोल दिया कि अगर ये नहीं कर सकता तो करेगा क्या जिंदगी में। तो फिर वो बात को फिर उनका प्रूफ करना पड़ा मुझे कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, मैं गुड मैम, मैं लास्ट दोबारा मैं जाऊंगा, इको की कल प्रॉब्लम थी, आज मैं कर दूंगा इसको सॉल्व। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैम, हम दोबारा से मिलेंगे। क्लास 7 8 क्लासेस, 8 क्लासेस दे चुका हूँ, आज 8th क्लास है मेरी, तो ये इतना कर सकता हूँ, अभी धीरे धीरे कोशिश करता हूँ जैसे जैसे मैं इसके और ज्यादा ध्यान से। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, फिर से दोबारा मिलेंगे कल। ओके जी, गुड नाइट।